ओके। और गोल्डी भाई आपने देखा वो मेरा और दीपक का एंट्री सीन? हाँ, वो कहाँ से बना लिया? तो बहुत कलाकार दीपक आदमी है दीपक गुरु, अभी अभी बैठे बैठे दीपक बना ने देगा। एंट्री सीन एक किया था ना, दीपक ने एक एंट्री सीन किया था ना, दिल्ली गया अरे था तब। वो एंट्री सीन तो बड़ा मस्त है यार। अच्छा सुनो, हाँ मैंने आपका एक बोलिए। गाना चुराया यार गोल्डी भाई, कौन सा? सिस्टम तुम्हें पता फट। है मैंने ना वो शहर जहर जो गाना है मुझे नहीं पता था यार, मैंने आपका ऐसे ही वीडियो देख रहा था तो मेरे एक हरियाणवी गाना देखा, क्या चाहे तू शहर देखो वो, और क्या रोहतकिया का गाना मैंने देखा आपका, वो जिसके ऊपर आपने रील बनाया कुछ पता नहीं, अरे तो मैंने यार वो गाना। रील के ऑप्शन बेंचो मेरी आईडी में नहीं आते, पता नहीं अरे आईडी लेकिन बनानी है क्या आपने ये गाने के ऊपर वीडियो बनाई है ना, आपके अकाउंट में मिली है। मुझे। कईया ने शायद लागे, कईया ने जहर लागे, वो अलग हाँ तो बात ये है। गाना आपने आपने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, तो मैंने वो वीडियो देखी, तो मैंने सर्च किया, मुझे अच्छी लगी वो गाना, तो मैंने सर्च किया यार वो गाना, मेरे इतने दिमाग में बैठ गया ना, बस पूरा दिन वही सुनते रहता हूँ, तो मैंने अभी उसको रील में डाला मेरे इसमें, तो उसको बहुत वो मुझे पसंद आया गाना। बना 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 दे। सुनो ये रवि भाई, मैं किसी नए बंदे को ऐड करता हूँ, ठीक है? अभी सुमित को कर लो, सुमित यार यादव गोल्डी को। भाई को रखो जरा, अपने भाई यही है गोल्डी गोल्डी भाई भाई। को नहीं, और वो हाँ दूसरे भाई अहमदाबाद वाले भाई उनको, हाँ मैंने मैं किसी तो नए बैठ हूँ को ऐड। अभी। ठीक है चल दीपक, मैं तुझे वीडियो कॉल पे मिलता हूँ। हाँ ठीक है, भाई ओके चल सौ भाई। किलो सौ अरे किलो 100 किलो से एक कम नहीं। डन 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 गोल्डी भाई, हाँ डन। आपको भी रहना है, पर आपको भी रहना है इनविटेशन में। हाँ बिल्कुल रहेंगे। हाँ गोल्डी भाई भी न्यूयॉर्क से लाइव चलेगी है गोल्डी और भाई एक की। एक तो फुलझड़ी भी जलवा दियो, अनार बम, अरे फुलझड़ी, गोला बम। कल का कैंसिल करो आप गोल्डी भाई, आप कल मत जाओ, आप परसों जाओ। परसों टाइम नहीं है मेरे पास यार, वीक डेज में टाइम कहाँ होता। नहीं बट हरिकेन है ना, तो रिस्क लेना मतलब गलत है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। पूरे दिन थोड़े ना, हरिकेन शाम को होगा। नहीं क्योंकि उसके बाद में आपको एडिसन भी तो जाना है ना, आप थोड़ी वहां पे मिलोगे इसको लॉन्ग आइलैंड में, आप दोनों एडिसन जाओगे अरे ना। हम समर से, अरे वो हम वो भी एडिशन जाने आने वाले दीपक, मैं भी यहाँ से एडिशन जाने वाला हूँ। नहीं लेकिन एडिसन तुम्हारे घर से 30-40 मिनट्स का रास्ता है ना। अरे नहीं ऑलमोस्ट द डेट 1.5 आवर। तो एडिशन में अरे काम बाप है रे, आपको तो कोई? बहुत आपको लंबा है यार। काम है कुछ वैसे एडिशन में? अरे नहीं, मैं तो स्पेशली आपके साथ हैंग, वो मेरे सब चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी उधर ही रहते हैं एडिशन में। अच्छा, हाँ तो उन लोगों को भी मिल लूंगा, लाइक हम। उधर उधर चलते हैं, उधर चलते हैं। एक सोमरसेट में है ना पंजाबी रसोई, उसका हाँ ओनर हाँ बुला हाँ रहा है गुरविंदर। अरे सोमरसेट एडिसन में सबसे जो फेमस रेस्टोरेंट है वो है रसोई। नहीं, वो सोमरसेट है। अच्छा वहां क्योंकि मिलते ये हैं, मुझे वो इसने एडिशन का बताया, ओनर मेरा जो बुला रहा इसके साथ डिस्कशन हुआ ना, इसने मुझे रसोई बताया। है उसका। रसोई अच्छा रेस्टोरेंट है यार। हाँ, रसोई तो सोमरसेट में है, बट वो एडिशन में नहीं है। तो कल मैं गोल्डी भाई यहाँ से अराउंड लाइक 2 बजे मैं निकलूंगा यहाँ से। हाँ हाँ 2-3 बजे निकलते हैं। हाँ तो मैं ऑलमोस्ट लाइक 4:35 o'clock उधर आ जाऊंगा। अपना हाँ कौन सी पियोगे? अरे मेरा पीने का तो यार ऐसा है कि मैं यही स्कॉच पीता हूँ, ब्लैक लेबल या श्रीवास्तव, चलो वही। ठीक हाँ ठीक है। हाँ क्योंकि फिर वो ड्राइव करके घर भी आना है ना वापस। हाँ ठीक है। हाँ तो मैं हाँ यार, मैं तो होगा ज्यादातर ऊबर से आऊंगा या फिर ले आऊंगा गाड़ी। इंडिया हाँ टिकट हाँ मिल जाती है जो अगर पता हाँ हाँ चलता। सही बात है। तब मैं इतना लंबा यार ऊबर से मैं आ नहीं सकता ना। थोड़ा हाँ 250 ला जाए। हाँ तो फिर मैं सोचता हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड को साथ में लेके आऊंगा, तो बोलूंगा कि भाई वो ड्रिंक मत करे, तो काम हो जाएगा। हाँ सही है। हाँ अच्छा ये आदित्य भाई, आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो इंडियन है क्या, व्हाइट है? वो अमेरिकन है, उसके मम्मी डैडी आयरिश है, उसका नाम है ऑलिविया। ओके ओके, तो आपने हाँ कभी इसको इंस्टाग्राम में नहीं डाला उसका फोटो? मेरे इंस्टाग्राम में हाँ मैंने नहीं देखा एक भी।
हमारा अभी रिलेशनशिप में हम लोग आए दीपक ऑलमोस्ट 1 month से ही यार। अच्छा अच्छा हाँ 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 तो मैं डालूंगा सब पिक्चर्स वगैरह। अब पिक्चर भी हाय भाई या तो बनोटी भाई हाँ सुमित नारंग को ऐड कर सुमित नारंग भाई को ऐड कर सुमित नारंग एक मिनट सुमित नारंग ये भेजा इनको इनविटेशन भाई क्या हाल है गोल्डी नमस्ते भाई कैसे हो बढ़िया बढ़िया मेरी जान अब तो मूड ठीक है भाई दीपक मूड ठीक है अब जरा हाँ अब तो मूड ठीक है भाई फंक्शन उसने बोला ये परसों हम रखेंगे ऐसे बोला ना सही है भाई अपना मूड ठीक रख भाई बढ़िया यार ये गोल्डी भाई यूट्यूब पे डल गई यार वो वीडियो यार यूट्यूब पे डाल दी किसी ने कल IGTV वाली पता नहीं किसने डालने तो बहन जो क्या हो गया फिर इन्होंने IGTV में सेव करने को कहा और किसी ने YouTube पे डाल दी दीपक कलाल बकचोद पता नहीं क्या भोसड़ी का क्या कर रखा है भैंस जब मिलियन में व्यू जा रहे हैं मिलियन में व्यू जा रहे हैं सही है ना व्यू तो जाने चाहिए फिर भैंस पता नहीं कौन था उसने उस पे डाल दी YouTube पे डाल दी और भैंस जो काफी लाइक और वो आए हैं फिर दीपक की कल वाली जो मैंने डाली है IGTV पे वो उस पे आ गई सही है फिर इंस्टाग्राम में बहुत 6 लाख व्यूज है गोल्डी भाई के साथ जो मिली है ना, उसमें तो नॉर्मल बात। और सुमित भाई आज आपने क्या खाना खाया भाई मैंने मटन खाया भाई मटन खाया और 2-3 पैग मारे हुक्का पिया बस थोड़ा सा। अच्छा आप हुक्का भी पीते हो? हाँ फ्लेवर वाला पीता हूँ मगर देसी वाला नहीं फ्लेवर वाला भाई हुक्का पीएंगे बिल्कुल 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 भाई होल्डिंग बनवा दी थी इनका मूड खराब हो गया बच्ची का भी केक रह गया है ना काफी कॉल्स आए उस बच्ची का केक काटना है वो कह रही अब 300 के पे काटूंगी मैंने कहा 2-3 दिन अभी रुक जा मूड सही हो जाए दीपक का फिर काटेंगे और नहीं, उसने मुझे कहा कि वो दो बार लेकर आई केक प्रो मैक्स कब आ रहा है बनोड़ी जी गिफ्ट कर रहे हैं आपको हम तो वेट कर रहे हैं कब ओपनिंग होगी डब्बे की। अरे यार अच्छा वो बात करता हूँ मैं गोल्डी में उसमें क्या हुआ कि मुझे वेस्टर्न यूनियन का नॉलेज नहीं है तो मैंने वेस्टर्न यूनियन में ना ओवर ट्रांजेक्शन कर दिया कि जैसे वो लिमिट रहती है ना वो लिमिट से मैंने कितनी लिमिट है कितनी लिमिट वहाँ पे 1800 की लिमिट थी और मैंने दीपक को भेज दिए थे ऑलमोस्ट $2,300 राइट ओके तो वहाँ पे अब जो वहाँ पे काम करता था उसको पता नहीं था मैंने ट्रांजेक्शन दीपक के नाम पे कर दिया तो फिर वो वेस्टर्न यूनियन का मुझे टैक्स मैसेज आया कि भाई ये ओवर लिमिट ट्रांजेक्शन है मैं हम लोग इंडिया में ये पैसे नहीं दे सकते तो ये ट्रांजेक्शन आप कैंसिल कराओ तो फिर मैं वापस गया वहाँ पे जाके मैंने ये ट्रांजेक्शन कैंसिल किया। अभी हम लोग कल मिलने वाले हैं ना संडे को तो वहाँ एडिशन में है ही वो है वेस्टर्न यूनियन वगैरह तो फिर दीपक को मैं फिर से 1500 का कर दूंगा उसके बाद दूसरे पैसों का भेजने कितने भेजने इसको उसका फोन आता है ऑलमोस्ट 1,40,000 का है ना दीपक कितने का है फोन 1,50,000 का है 512 GB का है हाँ तो ऑलमोस्ट क्लब जा रहे हो क्या गोल्डी भाई क्लब घूमने जा रहे हो? नहीं क्लब नहीं ऐसे किसी उधर बैठ जाए फायर एंड आइस में बैठ जाएंगे गुरु कल। अरे भाई देखो मुझे गोल्डी भाई आपसे मिलना है चाहे हम लोग लेके जाएंगे गोल्डी भाई तुम्हें क्लब लेके जाएंगे तुम मेरी तरफ कुछ फायर एंड आइस तूने तूने गोल्डी भाई का लिमोजिन का वीडियो देखा है क्या लिमोजिन का? अरे हाँ देखा है वो वेगस का है ना शायद हाँ वेगस का है हाँ वेगस का है वो तो सच बता गोल्डी भाई तो सलमान खान को फीका कर देते हैं सलमान खान को फीका कर एक काम करेंगे जितने भी पैसे भेजने हैं मैं ऑनलाइन बैंकिंग ऐप के थ्रू इसको भेज दूंगा कल आ जाएंगे इसके पास यू डोंट नीड टू वरी टू गो टू वेस्टर्न यूनियन एंड एनीवेयर हाँ तो फिर उसके अकाउंट में ट्रांजेक्शन होता है तो बोल कर वहीं से ही कर देंगे या कर देंगे इसका उस पैसों का फोन आना चाहिए कान खोल के यार देखो मैंने प्रॉमिस किया है मम्मी की कसम में 512 GB का वो फोन लूंगा मैं आपको नहीं ऐसे झूठ बोलूंगा यार सुन iPhone 12 मत ले अक्टूबर में iPhone 13 आएगा वो लियो रुक जाए एक महीना और नहीं नहीं नहीं
13 प्रो मैक्स आ रहा है क्या? आईफोन 12 का 13 प्रो आ रहा है दीपक, मैं भी खुद वही लेने वाला। अरे एक महीना रुक जा पनोड़ी भाई, तेरे को वो कर देंगे, 13 कर देंगे, अपग्रेड फोन आ रहा है और बहुत बढ़िया आ रहा है, 4 कैमरे उसमें बहुत बढ़िया है। एक महीना सितंबर सितंबर रुक जाओ, 1 अक्टूबर का हो जाएगा लॉन्च, मेरे पास डेट भी आ गई। मैं तो खुद वेट कर रहा हूँ उसका, मैं तो आते ही लूंगा। अरे एक महीने बाद दे देंगे, लेने वाला वो यार। एक बात बताओ, जिसने देना है वो भी देंगे, अपग्रेड वाला दे देंगे पनोड़ी भाई, 1 महीने बाद। दीपक सुन, मैंने आज तक जितने भी फोन यूज किया ना, आज तक मैंने एप्पल यूज नहीं किया, मैं सैमसंग ही यूज करता हूँ। लेकिन ये 13 का मैंने गूगल पे जाके सर्च किया, इतनी इतने सारे ऑप्शन है उसमें, इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, बहुत बढ़िया। मैं कुछ नहीं गए तो वही थे। हाँ यार, अभी मुझे लेने दो, तुम लोग प्लीज मुझे ये मत करो, ले लो। मेरी बात, मैं 12 प्रो ले रहा हूँ। मैं 12 प्रो ले रहा हूँ, बोलो। मैं कह रहा हूँ पैसे तेरे देंगे, बट तू देखो संभाल के रख, जब आईफोन 13 आएगा तब लियो, आईफोन 12 मत ले, वेट कर। पैसे तेरे को कल भेज देंगे। लेकिन उस आईफोन 13 में से इस बंदे को 40-50 हजार जेब में से निकलने पड़े ना, तो इसको हार्ट अटैक आ जाएगा। मैंने तो उसके बारे में अच्छा, 13 लॉन्च हो रहा है, 20-30 हजार सस्ता भी हो गया अब तो, बढ़िया है, 20-30 हजार सस्ता हो गया। अबे घोड़ू, 1 महीने बाद जब एडवांस आ रहा है इसका आईफोन 13, लेना तो यार प्रो मैक्स बढ़िया। अरे 12 प्रो मैक्स, 12 प्रो मैक्स सुनो भाई, नारंग भाई बात सुनो, उसने 1,50,000 जो बोले है ना, उसमें 5-6 हजार एक्स्ट्रा बोले, क्योंकि वो सारे साल का इसका रिचार्ज का खर्चा, इसका इंटरनेट का खर्चा, वो सब मिला के कैलकुलेट करके इस बंदे ने 1,50 बोले। अरे नहीं नहीं, मैं जो लेने वाला हूँ ना वो 512 GB का लेने वाला हूँ, 512 भाई। मैंने ये भी लिया है ना, ये भी मैंने 512 GB का ही लिया, ये देख, ये जो फोन है ना, ये देखिए मैंने लिया है सैमसंग 48,000 में, 512 GB का ही लिया मैंने। ये बकवास फोन है, और मेरे को सैमसंग पसंद ही नहीं है भाई, हमें चलाना ही नहीं आता सैमसंग, सैमसंग जब से एप्पल चलाते हैं कई सालों से, आईफोन 5 से चला रहा हूँ भाई मैं तो। मैंने यहाँ पे पता करा था, विदाउट बिल जो आ रहा है ना, जो यूएस वाला फोन आ रहा है, वो 91 का 12 प्रो मैक्स ब्लू कलर का, मैंने लिया विदाउट बिल है, मगर बढ़िया फोन है। 60,000 रुपए फालतू मांग रहा है। अरे चुप बैठ यार तुम लोग प्लीज, अरे बराबर है उतने ही है यार प्लीज, ए इनको नीचे बिठाओ यार प्लीज, क्या फालतू ही कर रहे यार। पैसे पूरे आएंगे, टेंशन मत ले, पूरे आएंगे, डोंट वरी, 1 रुपए कम नहीं, 1.5 लाख पूरे वो 1 लाख, क्योंकि मुझे 512 GB का लेना है, 512 GB का, 512 नहीं, वो मेरा मेरी बात छोटा है, 1.5 लाख 512 महंगा है, 512 1.5 लाख का है। तो मेरे भाई तेरे को 1.5 लाख नहीं, 1,51,000 रुपए मिलेंगे, डोंट वरी, खुश रहे, थैंक यू। अब डांस करके दिखा दे फिर, 1,500 मिल रहे एक बारी ना, एक बारी सबसे मेरे फेवरेट सॉन्ग पे डांस करके दिखा दे, सॉरी डार्लिंग पे, ठीक है करता हूँ, कर दे सॉरी डार्लिंग, और बोतल वही लेके हाथ में पूरा भाई, बन के नशेड़ी बन भाई, नीचे से कोई रिकॉर्डिंग कर लेना, वो स्टेटस पे लगाएंगे फिर भाई, सॉरी डार्लिंग पे डांस है भाई, भाई का सॉरी डार्लिंग। हाँ भाई आदित्य भाई का दिल बहुत बड़ा है भाई, फोन गिफ्ट कर रहे, क्या बात है यार। दीपक भाई सबसे पहले थैंक यू करो भाई को। नहीं नहीं, जब मेरे मम्मी को करोना हुआ था ना, जब मेरे मम्मी को करोना हुआ था ना, तभी भी आदित्य भाई 2 लाख रुपए भेज रहे थे, सच्ची कसम से मैंने मना किया उनको, आदित्य भाई मैंने मना नहीं किया आपको। मैंने ना, मैंने नीचे नीचे मैसेज किया था, आदित्य भाई मुझे भी 1-2 मिलियन डॉलर की जरूरत है। आदित्य भाई 2 मिनट के लिए कमेंट बंद कर दो ना, डांस करेगा। अरे यार मुझे सच में ये सुमित पे ऑपरेट करना नहीं आता है यार, मैं पहली बार आज लाइव पे आया, वो दीपक का अकाउंट बंद है ना, ये ऐड कमेंट है ना, वहाँ पे 3 डॉट है, वहाँ पे कमेंट ऑफ आएगा, देखो 3 डॉट बनी हुई है, 3 डॉट, 3 डॉट है ना वहाँ पे कमेंट। हाँ हो गया ना अभी। हाँ भाई अभी सबको 3500 लोगों को दीपक कलाल का बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाई दी,
जाएगी। प्लीज ये डांस को रिकॉर्ड करें बस। अच्छा सुनो, मुझे जरा बताएंगे क्या कि वो मोबाइल है ना उसमें साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, ये जो मैंने बोला ना ये सैमसंग का, तो मुझे जरा बताएंगे क्या कोई कैसे करना है ये? इसको पहले नाले में फेंक देना है। सेटिंग में जाके कुछ करता हूँ, एक रुको इसको मैं ना बंद करके ऑन करता हूँ। यार मैंने 48,000 में लिया यार, सीरियसली भाई। अब तुम प्रो मैक्स यूज करोगे ना तो ऐसा फोन ही नहीं देखा होगा तुमने इसको भाई। इसको पहले अगर ये सैमसंग चला रहा है इसको एप्पल चलाना नहीं आएगा? ना ना ना, एप्पल तो एप्पल है भाई, ये तो भाई अब बनोड़ी भाई ने स्टैंडर्ड बढ़ा दिया ब्रांड। और सुन दीपक, दीपक लाइव पे टाइम पे आ जाइए कभी, वो एप्पल चलाने के चक्कर में आए ना लाइव पे। नहीं नहीं मैं आऊंगा। अरे पता नहीं कैसे तू यार, छोड़ो गाना जो है ना मेरे पास है नहीं। रुको मैं एक आइडिया करता हूँ, ये जो फोन है ना इसको मैं चार्जिंग में लगाता हूँ, फिर इसमें मैं थोड़ा चार्ज हो जाएगा ना, फिर आपको डांस दिखाऊंगा। भगवान देवर है देवर। बोल्डी भाई कल वहां से लाइव कर रहा है, जब क्लब में जाओगे तुम ठीक है भाई के साथ, जितने भाई के साथ वहां से ओ या पूरी पूरी लाइव पे। हाँ वहाँ बैठेंगे तो लाइव पे जाएंगे, फायर एंड आइस पे जाएंगे। तो वहाँ डोंगल ले जाना, उक्का भी दारू भी सब आएगी वहाँ, और डोंगल ले जाना जिसमें जरूरत ही नहीं डोंगल की, जिसमें वाईफाई कनेक्ट हो जाए वहाँ। अरे भाई जरूरत ही नहीं डोंगल डांगल की, डोंगल डांगल नकली आदमियों की जरूरत है। यहाँ पे न्यूयॉर्क में केक कटवा था, एक मिनट को भी नेट गया था क्या? नहीं नहीं आपका वो नेट बहुत अच्छा था, आपने वो मैनहट्टन में कटवाई एक टाइम स्क्वायर में कटवाया था ना, एक भी बार नहीं वीक हुआ था, बहुत अच्छा इंटरनेट था। लेकिन यार पता नहीं मुझसे वो क्या हो गया, वो लाइव मेरा ये कंडक्ट नहीं हो पाया वो दिन भाई, डांस कर रहे थे लेट गए आप। नहीं नहीं एक्चुअली है ना मैंने अभी ये फोन जो है ना उसको मैंने चार्जिंग को लगाया, ये देखो ये वाला टैबलेट, तो वो ये वाला मैंने चार्जिंग को लगाया है, तो ये चार्ज हो जाएगा ना फिर मैं इस पे वो लगा के डांस करूंगा। अरे कोई दिक्कत नहीं यार। अरे कितने फोन रख रखे हैं? देखो इसमें 1% ही हुआ है अभी, 8%, इसको थोड़ा होने दो, कोई दिक्कत वाली बात तो अभी दीपक के पास तो iPhone 12 Max Pro। अरे यार क्या बात, और वो भी मैं लेने वाला हूँ 512 GB का। अच्छा हाँ, क्योंकि मुझे है ना बहुत सारे वीडियोस बनाने पड़ते हैं ना, तो मुझे स्टोरेज का प्रॉब्लम नहीं होगा, इसीलिए मैं बोलूंगा 512 GB का है। हाँ। लाइव पे अनबॉक्स करना, उसे लाइव पे दिखा के अनबॉक्स करना। इनफैक्ट ये जो मेरा फोन है ना जो मैंने अभी लिया है 48,000 में सैमसंग का, तो ये भी मेरा है ना 512 GB का ही है, इसलिए वो इतना महंगा है। तो मैंने यार स्टोरेज के लिए इतना महंगा फोन लिया यार, लेकिन वो जो फोन है ना उसका कैमरा बहुत ही बकवास है यार। ये देखो ये मैंने लिया ये 48,000 में, ये देखो नया का नया फोन है यार 48,000 में, ये देखो भाई ये 48 का थोड़े ना रह रहा होगा, निकल गए 24 का। एक दिन में आपको बिल बताता हूँ, ये नया नया का फोन वैसे ही बना हुआ है, और 512 इसका मैं कहाँ पे ये हाँ ये देखो 512 GB का मैंने लिया, इसीलिए मुझे ये इतना महंगा पड़ा। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, किसने गिफ्ट किया तेरे को, सही सही बताइए। ये मेरे मम्मी ने मुझे गिफ्ट किया यार, ये 48,000 का फोन। अच्छा ये कहाँ पे लिखा है इसमें 512 GB, आप बताओ? ये लिखा हुआ नीचे, उसमें लिखा होगा अगर, तो उसमें जाएगा सेटिंग्स में अबाउट में, ये लिखा तो है नीचे जीबी रोड 512, कहाँ पे लिखा है जीबी रोड 64 तो लिखा हुआ है 512 64 जीबी रोड 64 सबसे फेवरेट नंबर। नहीं लेकिन अच्छा इसको सेटिंग्स में हम देख सकते हैं ना, फेवरेट नंबर बता दिए, इनको कैसे पता, ये तो बाहर रहते हैं, इनको कैसे पता? ये देखो हम सेटिंग्स, अच्छा ठीक है चलो हम सेटिंग्स में जाएंगे, सुनो ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये क्यों मैंने इतना महंगा लिया। अच्छा ठीक है चलो हम सेटिंग्स में गए, अभी सेटिंग्स में कौन सा बटन दबाऊ मैं? एक्चुअली सेटिंग में देखो ना, स्टोरेज में जाओ, स्टोरेज में प्राइवेसी। आवाज नहीं आ रही है
अच्छा स्टोरेज में, हाँ स्टोरेज में जाएगा ना, स्टोरेज में पता चलती है एमबी। अच्छा स्टोरेज, यहाँ इसमें देखो एमबी लिखा होगा, ये देखो देखो 431 GB रोड सारा आ रहा है। अभी तो आपको विश्वास हुआ, ये देखो ये 512 GB है, दिखाई दे नीचे, ये देखो 512। इसमें तो काफी वीडियोस हो सकती है, अभी पूरी अभी पूरी ट्यूब बची हुई है। हाँ मैं इसीलिए 512 GB का लेता हूँ, ये बहुत महंगा होता है। जैसे आप एप्पल में 512 GB का लोगे ना तो ये जाएगा, मतलब महंगा जाएगा ये, मतलब 1.5 लाख के भी ऊपर जाएगा। लेकिन भाई मेरे को 512 लगता है, और 1.5 लाख के ऊपर जो भी पैसे जाएंगे मैं थोड़ा वो डाल दूंगा पैसा। देखो ये 512 GB का, इसीलिए मैंने, मुझे ये 48,000 में पड़ा यार। तुम्हें पता है मैंने बेचूं इतना महंगा फोन लिया यार ये, और मैंने मम्मी को कहा मम्मी थैंक यू वेरी मच, आपने इतना अच्छा गिफ्ट किया यार। अच्छा इसका फ्रंट कैमरा इतना बकवास है, फ्रंट कैमरा क्या बताऊं। बात तो सुन, ये 12 प्रो मैक्स में पैसिफिक ब्लू लियो, पैसिफिक ब्लू सबसे अच्छा टॉप पे चल रहा है, ब्लैक चल रही है उस फोन की, पैसिफिक ब्लू। अच्छा अच्छा ठीक है हाँ। लेकिन ये जो फोन है ना इसका रिपोर्ट बहुत अच्छा है, ये जो एप्पल 12 प्रो मैक्स है ना, तो अभी लोगों ने यूज किया ना तो उसका रिपोर्ट बहुत ज्यादा अच्छा है। आवाज नहीं आ रही गोल्डी भाई, आवाज नहीं आ रही गोल्डी भाई, आवाज नहीं आ रही है। मैं म्यूट पे था, मैं कह रहा हूँ तुझे एक चीज कर, ये फोन की जगह कोई से एक सेकंड हैंड मारुति ले ले तेरे आने। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे मेरे मम्मी ने मुझे कार गिफ्ट की थी, सच्ची कसम से मेरे मम्मी ने मुझे है ना कितना मतलब 15-16 साल पहले कार गिफ्ट की थी यार, मारुति 800, मेरी वो कार खाई में गिर गई। तब से है ना मैंने कार ली नहीं, मुझे बहुत डर लगता है कार से। अच्छा अच्छा, फिर थोड़ी ये प्लेटिना अपग्रेड कर दे, जो तेरे पे प्लेटिना है वो उसकी जगह वो ले ले तो CBR। अरे यार ये जो प्लेटिना है ना ये मैं महीने में 2 बार यूज करता हूँ, मतलब इसको मैं यूज करता हूँ महीने में 4-5 किलोमीटर सिर्फ सब्जी लाने के लिए। कभी कभी जाता हूँ, मैं घर में ही रहता हूँ, मैं बाहर नहीं जाता हूँ क्योंकि मुझे डर है कि लोग मुझे अगवा करके मेरे मम्मी से 40-50 करोड़ की फिरौती मांगेंगे। तुम्हें पता है जो लोगों ने करण औजला के ऊपर अटैक किया था ना, जो लोगों ने ब्रिटिश कोलंबिया में कनाडा में सरी एरिया में करण औजला के ऊपर जिन्होंने अटैक किया था ना, उसी लोगों ने जीबी रोड के ऊपर मेरे ऊपर अटैक किया, जीबी रोड पे दिल्ली में। जीबी रोड पे क्या गया तू? जीबी रोड पे क्या करने गए थे? वहां पे गोल्डी भाई कोड़ा होके खड़े थे ना। तो गोल्डी भाई की है ना, मैं गांड लेने के लिए गया था, गोल्डी की गांड कोड़ा होके खड़ा गया था गोल्डी जीबी रोड पे। कल तो वैन जो कह रहा था मेरे को लंड दे दो, मेरा चूसना है मेरे मुंह पे छोड़ देना। तो तू मेरी गांड लेने गया था बहन। हम लोग है ना, हम लोग दिल्ली गए थे ना, तो वो करोलबाग स्टेशन के ऊपर हम लोग उतरे थे, तो फिर वहां से ये पूछना था कि भाई हमको स्वामीनारायण टेम्पल जाना है, वो स्वामीनारायण टेम्पल है ना, तो वहां पे जिस बंदे से हम इंक्वायरी कर रहे थे ना उसने हमको पूछा कि भाई कहाँ से ये है वो है, तो हमने बोला कि भाई हम यू नो यहाँ से आए हैं, तो उसने हमको ऐसा बोला कि भाई साहब कुछ भी हो जाए लेकिन आपको मैं एक एड्रेस देता हूँ वहां पे जाइयो बहुत मजे आएंगे। मैं को भाई वो जगह क्या है, तो बोलता है जीबी रोड जाओ और वहां पे 64 किसी को भी पूछना। नहीं वो सही बताया, वो सही बताया, वो तो भाई वहाँ थोड़ा क्वालिटी मिलता है, क्वालिटी क्या मिलता है, और जगह भेंचो सांग करवा के आवे, और जगह फोन पान खोज ले। वन ऑफ द बेस्ट सिंगर, बहुत डाउन टू अर्थ, अभी नीचे से ही उठे हैं, उनको काफी स्ट्रगल करना पड़ा है अपनी गानों के लिए, काफी कॉम्पिटिशन वगैरह पंजाबी सॉन्ग्स वगैरह में, बट ही वॉज अ वेरी जेन्युइन गाय, सीरियसली सिंग। यही लीला में रुका था एम्बियंस है ना, लीला दीपक, 1.5 लाख रुपए आएंगे ना फोन, मैं सही बताऊं फोन की जरूरत नहीं है अपने, ये मरम्मत करा ले रसोई तो टाइल टू। अरे नहीं एक्चुअली मैं अभी नया घर लेने की सोच रहा हूँ यार, नया घर, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मेरा घर है ना ये 85 लाख में जा रहा है,
तो मैं इसके ऊपर है ना 40-50 लाख डाल के 1.25 करोड़ का दूसरा घर लेने वाला हूँ, मतलब मैं बड़ा अच्छा घर लेने वाला हूँ। वो पानी का मटका मैं 3 साल से देख रहा हूँ उसी पोजीशन में। उसी पोजीशन में 3 ईयर से वो पानी का मटका। मैं यहाँ पे रहता नहीं हूँ यार, मैं यहाँ पे मैं कश्मीर में रहता हूँ, मैं नहीं रहता हूँ यहाँ पे, एक बंद पड़ा रहता है फ्लैट। अरे लेकिन यार घर में लोग वो पानी की बॉटल्स मिनरल वाटर्स वो सब रखते हैं इंडिया में, वो जैसे वो आरओ का पूरा पानी जाता है। अभी मिडिल क्लास लोग भी, हाँ मिडिल क्लास लोग भी वो आरओ लगवा रहे हैं अपने घर में, और अभी भी तेरे घर में ये मटका पड़ा हुआ है, बहन चो शर्म आनी चाहिए। एक्चुअली मेरे को है ना आयुर्वेदा पसंद है, पुराने स्टाइल मुझे पसंद है, पुराना स्टाइल। अब जहाँ जहाँ पैसों की बात मुसेरते हैं हम लोग, वहाँ पे तो फिर पुराने स्टाइल पे ही आ जाता है हमेशा। चाय पिएगा दीपक? दूध कहाँ से लाया ये? दूध कहाँ से लाया? दो भैंस बांध रखी है। ये देखो ये दूध की थैलियाँ, देखो इतनी सारी थैलियाँ है, और दिखाता हूँ दूध को। अबे एक्सपायर हो गया दूध, एक्सपायर हो गया ये दूध, फट जाएगा ये दूध। हम बहुत ही पैसे वाले लोग होते हैं जो बजाज प्लाटिना पे आधा किलो टमाटर लेने के लिए रोज सुबह जाते हैं। आधा किलो टमाटर के लिए पहले प्लाटिना में जाते हैं। बहुत ही ऐसे हम लोग अमीर होते हैं जो आधा किलो टमाटर चुन चुन के लाते हैं, वो भी देखते हैं कि वो स्ट्रांग होना चाहिए, ऐसा पिचका हुआ नहीं होना चाहिए। ओए दीपक, दीपक सीधा ना थैली फाड़ के मुंह में लगाया जाए कर, ये क्या तू तो चाय चुई पीता रहता है। हाँ, हम अमीर लोग देखो, मैं शराब सिगरेट तो नहीं पीता हूँ, तो इससे थोड़ा दिल बहल जाता है, चाय पीता हूँ तो। हाँ, अमीर लोगों को जब एयरपोर्ट पे वो बोलता है कि $100 चाय है, तो हम बोलते हैं कि नहीं मत भी नहीं है, हम लोग सफर कर लेंगे 6 घंटा बाहर जाके हम 3 रुपए वाले चाय कीमत से लेंगे, ऐसे होते हैं हम अमीर लोग बहुत ज्यादा। देखो मैं अगर लालची होता था ना, तो जब भी ये 2 लाख रुपए दे रहा था ना कोरोना के लिए, तभी मैं लेता था, लेकिन अभी मुझे फोन की सच्ची जरूरत है यार, मेरा ये जो फोन है ना ये हैंग होता है भाई। दे रहे देखो गिफ्ट करे पनोड़ी भाई, भाई एक नंबर दी ये पनोड़ी भाई, तुझे फोन देंगे और उसके बाद मुझे $1-2 मिलियन की जरूरत है वो भी देंगे। है पनोड़ी भाई? भाई क्या हुआ है? अब कह रहे हैं भाई $1-2 मिलियन की जरूरत है पनोड़ी भाई। अरे यार वो तो पापा से बात करो यार, मेरे पास मिलियंस नहीं है। तो भाई अब तो दीपक भाई पार्टी देंगे भाई, 12 प्रो मैक्स की नया फोन आ रहा है भाई, केक कटिंग होना चाहिए। हाँ भाई यार मैं डेफिनेटली पार्टी दूंगा यार, तभी तभी तो 10 पार्टी तो नहीं देंगे मैं, पार्ट ऑफ टी दे सकता हूँ, पार्ट ऑफ टी पार्टी, पार्ट ऑफ टी। ओके ओके हम उसमें भी खुश हैं। नहीं नहीं उसमें तो आप खुश रहोगे, लेकिन उसमें भी बहुत बड़ा जुगाड़ होगा के 15-20 लोगों की चाय होगी, तो ये सोचेगा कि भाई काम करो यहाँ 30 स्टॉल पे नहीं पीना है, कैसे 200-300 का बिल आ जाएगा, एक काम करो हम लोग 2-3 ये दूध की थैली ले लेते हैं और मैं आपको बढ़िया सी चाय पिला के पिलाता हूँ, उसमें भी पैसों की बचत होगी। अच्छा दीपक भाई अपने हाथ की पिलाओगे क्या? बाहर पियेंगे स्टारबक्स पे? नहीं स्टारबक्स में पिलाऊंगा यार, लेकिन मैं सच कहूं तुम्हें, जो मेरे हाथ की जो चाय है ना जिसमें मैं अदरक डालता हूँ उसकी कुछ अलग ही टेस्ट होती है, लेकिन अगर आपको स्टारबक्स की पसंद है तो मैं वो भी आपको पिलाऊंगा। पैसिफिक ब्लू लेना कलर फोन का, पैसिफिक ब्लू। अरे यार मैंने आपका फोटो देखा करण ओजला के साथ, उसको खाना वाना नहीं, बेचारा दरवाजे के पास खड़ा है, आप मुझे बताओ आपने खाना वाना कुछ खिलाया नहीं क्या करण ओजला को? भाई खाना वाना सब पार्टी वार्टी भाई, कोई दिक्कत ही नहीं भाई, हुक्का दारू सब, तुम उसके बहुत बड़े फैन हो करण ओजला के। अरे मुझे वो बहुत पसंद है और वो मुझे जानता है। शेरनी जी शानदार बॉलीवुड, शेरनी जी भी बहुत प्यार करती है आपको, शेरनी जी भी कहती है वही दीपक बढ़िया आदमी है। वो तो मम्मी है इसकी, मम्मी है वो।
मैंने नहीं, अभी मैंने उसको मेरी बेटी बना दिया है क्योंकि उसकी उम्र कम है। बहन जो बहुत कॉमेडी है तो नहीं, क्योंकि मेरी उम्र 50 है और शेरनी की उम्र है 47। आदित्य भाई उस दिन कह रहे इसको मार, जूता उठाया कह रहा चल बहन के लोड़े नीचे चल, नीचे चल भाई, वो स्टाइल है ना जो इसका स्टाइल। अरे अरे गोल्डी भाई, अरे गोल्डी भाई, ये नारंग भाई, आप तो आज से 2-3 महीने पहले की आपने लाइव देखी नहीं है, उसको आप देखोगे ना आप अपने अपने बिस्तर से गिर जाओगे। लाइव होती थी ना इतनी डेंजरस होती थी, मैं तुमको क्या कहूँ, बहुत गंदी लाइव होती थी कसम से बहुत। यानी कि यार एक बंदा आया, उसने कहा सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मैं बोलता था मेरे आंट चूस ले बस, मतलब कुछ भी यार कुछ भी। हाँ मैंने वो देखी है, वो चमन प्राश का वो कह रहा तुम बात करो सब चीज के लिए ओके, कह रहा हाँ हाँ ओके ओके। चल भाई यार देख लोग है ना, ऐसा नहीं है, देख मेरे ऊपर अटैक हुए मैं मानी ना नहीं बोलता हूँ, बट प्यार भी ऐसे करते ना भाई, इतना तगड़ा प्यार करते प्यार करने वाले कि पूछो ही मत कसम से। मतलब जिसको एक क्रिंज कॉमेडी समझ में आती है ना भाई, वो बंदा पागल, वो बोलता है कि भाई हमको गाली दो, हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं, हमको पता है आप दिल से नहीं बोल रहे, ये कॉमेडी हो रही है। तो ऐसे भी लोग हैं यार, जरूरी नहीं है कि सब लोग नफरत करते, मतलब कुछ कुछ लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दीपक भाई भी बहुत प्यार करते हैं, कोई भी तुमसे लाइव हम तेरे डांस के फैन है, सारे नीचे कमेंट आ रहे हैं हम तेरे डांस के फैन है और चाय पी के। हाँ मैं करके एक्चुअली वो फोन है ना, तो वो मेरा मतलब 4-5 साल पुराना फोन है, वो थोड़ा चार्ज होता है, मतलब बहुत स्लोली चार्ज होता है वो। कर उसे चार्ज कर फिर डांस देख। अभी ये जो फोन है ना इसका मुझे साउंड बढ़ाना है, बट वो सेटिंग में जाके करना होगा यार, ये तो समझो मेरे 14,000 वेस्ट है, 512 GB का मेंशन दिया फोन में लिया। 12 मैक्स लेगा ना, 12 प्रो मैक्स लेगा, इसको 10-15 दिन तो दिक्कत आएगी, पहले सारा समझेगा ये वो सब, क्योंकि वो एंड्रॉइड से बिल्कुल अलग है। तो एक काम अच्छा, कर अच्छा, इसको गुड़गांव बुला लो, एप्पल आईडी, एक तो एप्पल आईडी बनवानी पड़ेगी आपको, एप्पल आईडी पासवर्ड याद, पासवर्ड याद। मैं क्या कह रहा हूँ सुमित भाई इसको बुला लो गुड़गांव, अपने घर में रख लो एक दो हफ्ते, जब तक ये सीख नहीं जाता कोई दिक्कत नहीं, मैं पुणे भी चला जाऊंगा। नहीं सुनो फिलहाल, नहीं सुनो फिलहाल जो है ना अभी मामला जरा गर्म है, तो इसीलिए फिर अभी फिलहाल नहीं, मतलब थोड़ा ये चल रहा है ना यार, अभी थोड़ा समझ लो आप लोग भी। हाँ वो कम्युनिटी का सब प्रॉब्लम चल रहा है वो। हाँ थोड़े वैसे दीपक भाई तुम्हारे से कोई लाइव में फालतू बोलता है ना परोड़ी भाई धमका देते हैं, ये बात देखा है तुमसे, दिल से प्यार रखते हैं आदित्य भाई, मैंने ये देखा है। नहीं मैं दीपक से बहुत भाई ये मैंने बहुत प्यार करता हूँ, मम्मी के साथ भी बातें होती है इनकी, इनको मतलब सब पता है मेरे बीमारी के, लीवर के बारे में भी इनको सब पता है। और वो कहते हैं कि मतलब शेरनी जी का मैसेज आ रहा है ऐड करने के लिए, शेरनी जी को लो ना 2 मिनट के लिए, शेरनी जी कहती है दीपक से बात करनी है। 1 मिनट में लेता हूँ, 1 मिनट और देता हूँ मैं।